वहीं मथुरा में रंग भरी एकादशी के मौके पर ब्रज के मंदिरों में लोगों ने जमकर होली खेली। लोगों ने एक दूसरे पर जमकर अबीब गुलाल उड़ाए। ब्रज के मंदिरों में बसंत पंचमी से ही ठाकुर जी के साथ भक्त होली खेलने लग जाते हैं। जनतंत्र टीवी संवाददाता वेद प्रकाश गौतम ने जायजा लिया, वहां का जरा देखिए। आज रंग भरनी एकादशी है और ब्रज मंडल में होली की धूम मची हुई है। ब्रज के जितने भी प्रमुख मंदिर हैं वहां आज प्रमुखता से होली खेली जाएगी। मैं आपको बता दूं, वैसे तो पूरे ब्रज मंडल में बसंत पंचमी से होली को सब प्रारंभ हो जाता है। होली के रंग ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ खेलते हैं, लेकिन रंग भरनी एकादशी पर ये होली का जो पर्व है, होली के जो रंग हैं अपने उफान पर होते हैं। इस समय हम मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर में। यहाँ आप देख रहे होंगे कि किस तरह भक्त बेहद उत्साह के साथ ठाकुर श्री द्वारकाधीश जी के साथ होली खेलने में मस्त हैं। ये तरह तरह के रंग, जो प्राकृतिक गुलाल है वो उड़ाया जा रहा है और मंदिर के तरफ से केसु के रंगों की, जो फूलों से बना रंग बनाए जाते हैं, उनकी पिचकारी छोड़ी जा रही है। तो इस होली की क्या परंपरा है, ये जानने के लिए हम जो ठाकुर श्री द्वारकाधीश मंदिर के प्रवक्ता हैं राकेश तिवारी जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, होली की धूम मची हुई है पूरे ब्रजमंडल में, द्वारकाधीश मंदिर में क्या परंपरा रही है और आज किस तरह से होली खेली जा रही है? देखिए, पूरे ब्रजमंडल में होली प्रारंभ होती है बसंत पंचमी के दिन से और सभी जगह अपने अपने हिसाब से होली मनाई जाती है। तो कहा जाता है कि सब जग हो रही या ब्रज हो रहा। हो रहा से तात्पर्य ये है कि 40 दिन तक ये कार्यक्रम चलता है। पुष्टि मारक संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जहाँ तिथि, घड़ी, पल और नक्षत्र के हिसाब से सभी कार्यक्रम होते हैं। जैसे आज एकादशी है तो आज ठाकुर जी को टेसू के शुद्ध फूलों से पिचकारी, सोने और चांदी की पिचकारियों से और अमीर, गुराल, केसर, चंदन, कुमकुम आदि सभी चीज़ों से होली खिलाई जा रही है। भाव ये है कि हमारा जो है ठाकुर आज कुंज में विराजमान होकर होली खेल रहा है और भक्त उसका आनंद ले रहे हैं। ये परंपरा भी निरंतर जारी रहेगी और इसी प्रकार 18 मार्च तक निरंतर ये क्रम जारी रहेगा। तिवारी जी, रंग किस तरह से, रंग और गुलाल क्या कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं? देखिए, यहाँ टेसू के शुद्ध फूलों को गर्म पानी में उबालकर उसका रंग बनाया जाता है और अबीर, गुलाल ये सब हाथरस से लिए जाते हैं और केसर, चंदन, चोवा ये सभी चीज़ बाज़ार से परचेज होके आती है और शुद्धता से ठाकुर जी को धराई जाती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और आप देख रहे हैं होली का जो द्वारकाधीश मंदिर में इसकी अलग ही धूम है। ठाकुर द्वारकाधीश महाराज अपने भक्त साथ उन्हें उड़ाकर होली खेल रहे हैं। अब हम सीधे आपको नीचे लिए चलते हैं। इस हंगामे के बीच होली का जो आनंद है उसमें सरोवर करने के लिए आपको सीधे नीचे लिए चलते हैं। आप सीधे देख सकते हैं किस तरह से आनंद में सराबोर होकर ये यहाँ पर भक्तगण नाच रहे हैं। दूर दूर से देश के कोने कोने से आए ये भक्त यहाँ होली का पूरा आनंद ले रहे हैं। आप ये होली का पूरा हंगामा यहाँ पर देख रहे हैं। अद्भुत भक्ति ठाकुर श्री द्वारकाधीश महाराज अपने भक्तों के साथ यहाँ पर अपने भक्तों के साथ यहाँ लगातार होली खेल रहे हैं। ये भक्तगण भी अपने आराध्य के साथ होली खेलते हुए बहुत आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। अब देखिए किस तरह यह नाच गाने का यह सिलसिला आनंद में अनुभूति आ रही है। हम यहाँ कुछ बात करने का प्रयास करते हैं कुछ श्रद्धालुओं से और आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आए, किस तरह से होली खेल रहे हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ युवा जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए आप? हम यहीं के हैं, हमें हमेशा अच्छी लगती है। देखिए, यहाँ के लोग भी हैं, दूर दराज से लोग भी आए हैं जो होली का आनंद ले रहे हैं। श्रद्धालुओं, आप कहाँ से आई हैं? मथुरा से। कहाँ से आई हैं? मथुरा से। अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी है, आनंद आ रहा है। देखिए, होली में पूरी तरह से आनंद ले रहे हैं। यहाँ भी कुछ भक्त हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उर्वशी है। कहाँ से आई हैं? मैं फरीदाबाद से आई हूँ। किस तरह की होली लग रही है? बहुत फैंटास्टिक, अमेजिंग। पहली बार होली एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। दूर से खड़ी खड़ी अभी जाएंगे, जब सब लोग आ जाएंगे तब एंजॉय करेंगे। देखिए, फरीदाबाद से आए हैं और भी कुछ से, आप कहाँ से आए, क्या नाम? हम गुजरात से आए हैं, मेरा नाम हरेश है। इस तरह से देख रहे हैं होली, अलग माहौल है पूरा यूपी में। हमें सुना था कि ऐसी होली होगी, लेकिन अभी तो यार अलग ही आनंद है यहाँ का। और भाई साहब भी बताएंगे। आप भी? हम गुजरात से, डॉक्टर से, सब लग रही है होली।
बहुत अच्छा लग रहा है, कृष्ण भूमि में आके बहुत अच्छा लग रहा है। तो होली में उतरी है आप तो किनारे खड़े? नहीं नहीं देख रहे हैं, फिर सब सामान भी संभाल रहा है ना। आप कहाँ से आई, क्या नाम? हम सूरत गुजरात से आए, मेरा नाम डॉक्टर सेजल है। हम सब साथ में है, सब ग्रुप में आए, सिर्फ ये देखने आए हैं। कैसा आनंद आ रहा है पूरा ग्रुप? बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है, सबको यहाँ आना ही चाहिए होली खेलने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।